चांद भाई, क्या हाल है? अच्छा हूँ नूर भाई। चांद भाई, ये धोलेरा धोलेरा बहुत हो रहा है, ये धोलेरा बंद हो गया तो? नहीं नहीं, इसके लिए DICDL एक अलग से गवर्नमेंट ने कंपनी बनाया है। तो ये कंपनी कहाँ है, इसके बारे में हमें कौन बताएगा? इसका ऑफिस भी है और एक बार मुझे इसके बारे में अनिश जी ने बताया था, तो हमें चलना पड़ेगा अनिश जी के पास। तो चांद भाई, ये अनिश जी कौन है? अरे अनिश जी, धोलेरा अपडेट वाले, आज वो गांधीनगर गए हैं, आओ चलते हैं उनके पास। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं अनिश नोटियाल और आप सब देख रहे हैं धोलेरा अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं DICDL के बारे में। जी हाँ, DICDL धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे यूट्यूब के हमारी फैमिली के कुछ लोग हैं जो काफी समय से DICDL का ऑफिस विजिट करना चाहते थे। एक बार हमें DICDL का जो गवर्नमेंट का ऑफिस एक बार हमें दिखाएं, तो हमने इस बार कोशिश की है और आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं DICDL का ऑफिस। जी हाँ, DICDL क्या है मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअल में एक जॉइंट वेंचर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बीच में साइंड है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया गया है SPV, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% का रोल है, पार्टनरशिप है, और स्टेट गवर्नमेंट का 51% का। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड के रूप में है और स्टेट गवर्नमेंट का लैंड के रूप में यहां पे रोल है, पार्टनरशिप है। अगर मैं बात करूं SPV की, तो इसको बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि भविष्य में कभी भी, क्योंकि एक्चुअल में ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट 15 से 20 साल एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, इसको बनने में समय लगता है। इसके लिए एक स्पेशल एक कंपनी गवर्नमेंट ने बनाया है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल गवर्नमेंट ने बनाया है कि भविष्य में कभी भी यदि सेंट्रल में गवर्नमेंट चेंज होता है तो इस प्रोजेक्ट में कोई इफेक्ट ना पड़े, प्रोजेक्ट बंद ना हो, इसके लिए एक अलग से कंपनी बनाया गया है। तो आज हम एक छोटा सा विजिट गांधीनगर में किया है। एक्चुअल में अभी ये गांधीनगर में एस्टेब्लिश्ड है ऑफिस, और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंतराल में आपको देखने को मिलेगा। ABCD बिल्डिंग आप सभी लोग जानते हैं, वहां पे ऑफिस शिफ्ट होने वाला है 1 से 1.5 साल के अंदर। अभी गांधीनगर जो कैपिटल है गुजरात का, अभी यहाँ पे उद्योग भवन में ये ऑफिस है जहाँ पे हमने विजिट किया। यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने फिर भी एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की जो शायद आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाता हूं मैं प्रैक्टिकल DICDL के ऑफिस का विजिट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अभी हम पहुंच चुके हैं जो धोलेरा का जो मेन ऑफिस है DICDL का, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड का, जो गांधीनगर में है, जो गुजरात की कैपिटल है, और उद्योग भवन में जो ऑफिस है 6th फ्लोर में। तो अभी आप देख सकते हैं, ये हम अभी जस्ट ऑफिस में ही खड़े हैं, ऑफिस के बाहर आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा ऑफिस का एड्रेस रहेगा जो उद्योग भवन में, और आप सब लोग भी इसको विजिट कर सकते हैं। ये उद्योग भवन में 6th फ्लोर पे ऑफिस रहेगा जो गांधीनगर में है। अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर ये ऑफिस ABCD बिल्डिंग जो है धोलेरा का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस कंट्रोल फॉर धोलेरा है, उसमें शिफ्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल यहीं से पूरा कंट्रोल दिया जा रहा है। यदि किसी को कोई गवर्नमेंट का कोई भी MOU साइन करना होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, या कोई भी बड़ा असाइनमेंट साइन करना होता है, तो वो यहीं से ही साइन होता है। थैंक यू वेरी मच। देख सकते हैं आप, जो प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल है आपको यहाँ के ऑफिस में, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं गांधीनगर में आकर के,
जो उद्योग भवन में है, 6th फ्लोर में इसका ऑफिस है। अभी हम प्रेजेंट में ग्राउंड फ्लोर में है। इसके पूरे 3D इमेज ऑफिस में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, पूरा स्टडी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाले हैं धोलेरा में, सारे ब्रांड आप यहाँ पे देख सकते हैं लगे हुए हैं। अभी कुछ ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे, तोरण पावर फार्मा का ये भी धोलेरा में इस्टेब्लिश हो रहा है धीरे धीरे, देख सकते हैं आप। इसके अलावा सोलर पार्क पे आएंगे, ये सोलर पार्क का पूरा डिटेल दिया हुआ है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क डेवलप होने जा रहा है, इसका पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है।